हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चीला, चावल के आटे का चीला। देखिए मैंने ये चावल का आटा इसमें लिया है, इस कटोरी में एक कटोरी लिया है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक। देखिए मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, इसको अच्छे से हम लोग धो लिए हैं और पत्ती पत्ती बस निकाल ली हूँ मैं। अब इसको हम लोग कट कर लेते हैं। हम इसमें धनिया ऐड कर देते हैं, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप डाल भी सकते हैं, ऑप्शनल है। या जैसे टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, वैसे तो धनिया का टेस्ट सबको अच्छा लगता है, डाल भी सकते हैं और नहीं भी। अब हम इसमें पानी डाल के घोल बनाएंगे। ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, बहुत अच्छा है, ये बहुत इजी बन जाता है। ये हमारा घोल बन के रेडी हो गया है, एकदम गाढ़ा नहीं रखी हूँ, हल्का सा पतले में है, पतले फॉर्म में है। इसमें मैं करीबन 2 ग्लास पानी ऐड करी हूँ और इसका घोल जैसे कि पतला रहता है वो बनते बनते गाढ़ा हो जाता है। देखिए ये मैंने लिया है पैन, गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। वैसे ये नॉनस्टिक पैन है, एकदम ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इसको चारों तरफ से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम कम कर लेते हैं। ये हमारा चीला इतना, आप चाहे तो इतना बड़ा और कर सकते हैं। झटपट बनने वाला नाश्ता है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए चीला को हम लोग पलटते हैं। ये ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ मैं। नॉनस्टिक तवे में आसानी से निकल जाता है ये सब। देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। अब दूसरे तरफ भी हम लोग 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे। चलिए चीला हमारा बन के रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा बना है। चलिए सेकंड प्रोसेस भी हम लोग वैसे ही करते हैं। ये इसको आप सुबह चाय के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ, टमाटर चटनी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है ये। ये सेकंड चीला है, इसको भी मैंने पलट दिया है। चलिए इसी तरह हम सारे चीला बना लेंगे, बहुत ही इजी है, आप अपने घर में ये ट्राई ज़रूर कीजिए। चलिए हमारा दूसरा चीला भी रेडी हो गया है, अब हम सारे चीले बना लेंगे ऐसे ही। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके पास नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज बनाने जा रहे हैं चावल आटे का चीला। ये खाने में जितना टेस्टी है उतना बनाने में भी ईजी है। इसको हम ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ, मिर्ची की चटनी के साथ, या सुबह मॉर्निंग में आप चाय के साथ गरम गरम चीला ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार बना के देखिए। चलिए प्रोसेस देखिए कैसे बनाते हैं इसको।